एक दिन की बात है, बुरचट विधायक जी रोड किनारे हगने के लिए जाते हैं। बहन चोद आज यही हगने का मन कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है ना, लगता है इधर कोई भी नहीं है। अभी विधायक जी हग ही रहे थे तभी डोगेश का बेटा चिमटू साइकिल चलाते हुए आता है। अरे बुरचमटे विधायक जी, खुद रोड पर हगते हो और कल गांव में ज्ञान चोद रहे थे कि सब लोग को अपने घर में हगना चाहिए। तुहार मतारी के बुरचोदो चिमटू, खुले में हगने का अपना अलग ही मजा है, आजा तू भी पैंट खोल के बैठ जा। गाली मत दीजिए बुरचमटे विधायक जी, वरना मैं गांव में सबको बता दूंगा कि आप रोड पर हगते हो। हुई हुई हुई। बहन चोद, इस चिमटू का कुछ उपाय करना पड़ेगा। चिमटू बेटा, तूने कभी काला आइसक्रीम खाया है क्या? ऐसा आइसक्रीम तो नहीं खाया हूँ। तो चल मेरे घर, तुझे बहुत सारा काला आइसक्रीम खिलाएंगे। विधायक जी, मैंने आज तक कभी काला आइसक्रीम नहीं खाया है, क्या आप सच में मुझे खिलाएंगे? अरे चिमटू, सच में खिलाएंगे, पर फिर हमारा रोड पर हगने वाली बात किसी को मत बताना। ठीक है विधायक जी, नहीं बताऊंगा। फिर 2 घंटे बाद चिमटू अपने घर जाता है। भूम सटी के झांट भर का है ही, और 2 घंटे से घर से किधर बाहर गया था? माफ कर दो पांपा जी, मैं सेक्स करने गया था, इसीलिए घर आने में लेट हो गया। अरे बेटा, अकेले अकेले बाप को भी भूल गया? देखिए जी, हमारा चिमटू भी आपकी तरह बचपन से रंडी चोद बन गया। चिमटू अब जवान हो गया है, तुम इसको डांटो नहीं। जा रे चिमटू, अब जाके सो जा। ठीक है पांपा जी। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें चिमटू के लिए कोई लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा देनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी बेड पर चलो, मेरा पैजामा भी टाइट हो गया है। समझ रहे हो? अगली सुबह चिमटू रोते हुए डोगेश और डोगेलीना के पास आता है। क्या हुआ रे चिमटू, आज इतने सुबह सुबह क्यों रो रहा है? पांपा जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है रे चिमटू, बता फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ चिमटू बेटा, जल्दी बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? अब क्या बताऊँ मम्मी पांपा, जब से मैं सेक्स करके आया हूँ तभी से मेरे गांड में बहुत दर्द हो रहा है। रुको जरा। मिया खलीफा का चोची दबाकर जॉनी सिंस ने किया बड़े बड़े। गांव के नायक हम हैं विधायक, डोगेश और उसके बेटे की गांड मार देंगे खड़े खड़े।